हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो सीरीज में मैं आरसीसी रिटेनिंग वॉल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कवर करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट वन वीडियो है जिसमें मैं थ्री बेसिक चीजें कवर करूंगा, जो हमारे टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स होती हैं और उनको कहाँ पर यूज करना है और हमारी क्या फोर्सेज एक्ट करती हैं हमारी रिटेनिंग वॉल पर और हमारा क्या स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पस और हमारे आईएस 456 क्या रिकमेंडेशंस देते हैं रिटेनिंग वॉल की डिजाइन के लिए, उसको इन वीडियो में कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज रिटेनिंग वॉल। जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि वो वॉल दैट इज यूज्ड फॉर रिटेनिंग समथिंग, तो ऐसी वॉल को हम रिटेनिंग वॉल करते हैं और इसका यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमारा अब्रप्ट चेंज इन जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है या हमारा आर्टिफिशियल ग्राउंड लेवल है, उसमें हमें अर्थ को वर्टिकल पोजीशन पर रखना है। सपोज यहां पर दो ग्राउंड लेवल है हमारे, ग्राउंड लेवल वन एंड ग्राउंड लेवल टू। अब हम इस साइड की अर्थ को इधर नहीं आने देना चाहते हैं, तो वी प्रोवाइड अ रिटेनिंग वॉल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर यूसेज एंड जो उनकी डिजाइनिंग है, उनका जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में बिहेवियर है, उनके बेसिस पे हम अपनी वॉल्स को फोर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ग्रेविटी वॉल्स, जो कि हमारी आरसीसी की भी हो सकती हैं, मैसनरी की भी हो सकती हैं। तो यहां पर जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल मैंने दिखाई हुई है, दिस इज मेड अप ऑफ, मान लेते हैं आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, बिकॉज यहां पर हम कंक्रीट के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे एज पर आईएस 456 और जो भी हमारे डिटेल्ड प्रोविजंस हैं इनके रिगार्डिंग। जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होगी, ये हमारी स्टेबिलिटी अपने खुद के वेट से डराइव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम इट्स सेल्फ वेट, दैट इज डेड वेट, मतलब जो कंक्रीट का खुद का वेट है उससे ये स्टेबिलिटी डराइव करती है। और जो हमारी ग्रेविटी वॉल्स हैं, इनका जो यूज है जनरली अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर तक ही किया जाता है, उसके बाद इनका यूज नहीं किया जाता बिकॉज दे रिजल्ट वेरी अनइकोनॉमिक, उनकी कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हम इनको 3 मीटर की हाइट के बाद अवॉइड करते हैं, नहीं यूज करते हैं। और दे हैव अ दिस काइंड ऑफ शेप इज देयर इन ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स एंड इट्स अ सॉलिड मास काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज हमें स्टेबिलिटी इसके खुद के वेट से हमें ऑप्टेन करनी है। उसके बाद हमारा सेकेंड कैटेगरी की वॉल है, दैट इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जिसमें दो कैटेगरी की वॉल्स आती हैं, टी शेप्ड एंड एल शेप्ड। और इन वॉल्स का जो यूज है, हम जनरली इकोनॉमिक तरीके से 8 मीटर तक कर सकते हैं एंड मिनिमम हाइट ऑफ जो होनी चाहिए हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दैट शुड बी 1.2 मीटर एटलीस्ट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में जो हमारी वॉल आती है, दैट इज काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। हमारी फोर्थ कैटेगरी की जो वॉल है, ये आती है बट्रेस वॉल। इन वॉल्स के डिटेल प्रोविजंस में इस वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगा, दे विल बी कवर्ड अंडर पार्ट 3 वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और इस वीडियो में बेसिकली ग्रेविटी वॉल्स और कैंटिलीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करूंगा। सो जो हमारा पहली कैंटिलीवर वॉल है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो आपको देखने को मिलेगी, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल दैट इज यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस। तो यहां पे वेरियस कंपोनेंट्स मैंने दिखाए हुए हैं कि दिस इज द नेचुरल ग्राउंड लेवल एंड हियर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट सम बिल्डिंग, तो हमें एक रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड किया है यहां पर, विच इज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। एंड कैंटिलीवर इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं बिकॉज जो मैकेनिज्म है, जो इसकी डिजाइनिंग है, वो एज अ कैंटिलीवर एक्शन की तरह हम करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा। तो देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स, तो पहला जो कंपोनेंट है, दैट इज दिस इज द वर्टिकल स्टेम, इसको हम बोलेंगे स्टेम ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। जो हमारा ये पोर्शन है, दिस इज नोन एज टो ऑफ द वॉल एंड दिस इज नोन एज हील ऑफ द वॉल। ये हमारा शियर की है
इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात कर लूंगा। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड बेस स्लैब, इस टोटल पोर्शन को हम बोलेंगे दिस इज हमारा, ये हमारा बेस स्लैब है। अब बेस स्लैब में भी हमारे दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा हमारा दिस वन विच विल बी कॉल्ड टो स्लैब, और एक हमारा पार्ट ये वाला होगा विच विल बी कॉल्ड हील स्लैब। ठीक है, तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल स्टेम एंड बेस स्लैब। और बेस स्लैब में भी हमारे दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, टो स्लैब एंड द हील स्लैब। और यहां पर हमारी बैकफिल है, इट इज हैविंग सम नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज विच हैज अ इंक्लिनेशन ऑफ फिल, इसको थीटा हम बोल सकते हैं। तो जो भी हमारा एंगल ऑफ स्लोप होगा वो हेल्पफुल होगा, हमें वो चाहिए होगा फॉर डिजाइनिंग कंसिडरेशंस कि हमारा प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है रिटेनिंग वॉल पे। ये यहाँ पर कुछ रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की मैंने फोटोज दिया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, एक साइड आपको रोड बनी हुई दिख रही है एंड दूसरी साइड हमारी नदी बह रही है, तो दिस इज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, और जो आपको ये वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है दिस इज द वर्टिकल स्टेम ऑफ द रिटेनिंग वॉल। यहां पर यही सेम क्लासिफिकेशन जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया, यहां पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा यहां पे मैंने वेरियस क्रॉस सेक्शन ड्राइंग्स दिखाई हुई है रिटेनिंग वॉल की, दिस इज अ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जिसमें हमारा मास वर्क होता है, दिस इज दी टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल जो हमारा शेप बन रहा है कॉन्क्रीट का जो वॉल का, दैट इज लुकिंग लाइक अ इन्वर्टेड टी। ये हमारी एल शेप्ड हमारी रिटेनिंग वॉल्स हैं, बट ऑल आर कैंटिलीवर वॉल्स। ये हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स हैं एंड दीज आर द बटरस रिटेनिंग वॉल्स, जिनके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा आपसे। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं डिजाइन के लिए, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा अर्थ रिटेन है हमारा एक तरफ, दिस इज द अर्थ, बिकॉज हमने यहां पर इसको रेस्ट्रेन कर दिया है अपनी रिटेनिंग वॉल से, तो देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ द अर्थ टू मूव द जो वॉल है वो हमारी अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करने की कोशिश करेगी, बिकॉज लेटरल अर्थ प्रेशर विल डेवलप, बिकॉज हमने इसको रेस्ट्रेन किया है अगेंस्ट द नेचुरल रिपोज में जाने से, सो इट विल एक्सर्ट अ लेटरल अर्थ प्रेशर, जिसकी वजह से कॉन्क्रीट जो हमारी वॉल है उसकी टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ मूव करने की, एंड विच विल डेवलप अ लेटरल एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो यही एक्टिव अर्थ प्रेशर को हमें इवेल्युएट करना है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सोयल मैकेनिक्स में पढ़ रखा है इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि कैसे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो वहां यहां पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसके बारे में। तो दिस प्रेशर टेंड्स टू डेफ्लेक्ट द वॉल आउटवर्ड्स, तो हमारी एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वॉल। तो अगर इस पैसिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का हम डायग्राम देखें तो देयर इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, बट सिंस कि हमारा हाइट कम होती है यहां पर अपोजिट साइड में, इसकी जो वैल्यू होगी पैसिव अर्थ प्रेशर की वेरी स्मॉल होगी इन मैग्नीट्यूड, सो हम जब डिजाइन कैलकुलेशंस करते हैं तो वी नेग्लेक्ट दिस पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप्ड, बिकॉज यहां पे वॉल हमारी मूव करेगी अगेंस्ट द सॉयल और यहां पर हमारी इट विल मूव अवे फ्रॉम द सॉयल, तो यहां पर हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर आएगा, यहां पर हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा, विच विल बी कॉजिंग द जो वर्टिकल पोर्शन है हमारा दिस विल मूव अवे फ्रॉम द सॉयल मास। तो इसी वजह से हम करते क्या है, जब हम डिजाइन करते हैं तो दिस वर्टिकल स्टेम को हम क्या डिजाइन करेंगे, इट विल बी डिजाइंड एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर, इसको हम वर्टिकल कैंटिलीवर स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं अंडर लेटरल अर्थ प्रेशर। ध्यान रखिएगा आप, ये हमारी जो वॉल मेंबर है दिस इज डिजाइंड एज द कैंटिलीवर स्लैब फिक्स्ड एट द बेस, यहां पर हम मानेंगे कि ये हमारा फिक्स्ड है एंड इट विल बिहेव एज अ कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ द जो हमारी लेटरल अर्थ प्रेशर एग्जिस्ट कर रही है उसकी वजह से हमारा ये वर्टिकल कैंटिलीवर स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अब जो हमारा दूसरा स्लैब है विच इज हॉरिजेंटल पोर्शन,
ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल हमारा पोर्शन है, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, दिस इज टो स्लैब, टो स्लैब को भी हम हॉरिजेंटल कैंटिलीवर स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज दी हील स्लैब, इसको भी हम कैंटिलीवर हॉरिजेंटल स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे। अंडर द एक्शन ऑफ, इसकी जो टेंडेंसी होगी, इट विल बेंड लाइक दिस अंडर द एक्शन ऑफ, जो हमारी रिटेनिंग अर्थ है उसकी वजह से इस तरह इसका बिहेवियर होगा, बेंड डाउनवर्ड्स द अर्थ। तो इट विल ऑल्सो बी डिजाइंड एज द कैंटिलीवर फिक्स्ड एट द दिस लोकेशन, एट द सेंटर ऑफ द स्टेम। तो सारे जितने तीनों स्लैब्स हैं हमारे, दे विल बी डिजाइंड एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर्स। इट मीन्स हम थ्री कैंटिलीवर्स में अपनी रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करते हैं, थ्री कैंटिलीवर स्लैब्स के फॉर्म में डिवाइड करके। ठीक है, और इसमें हमारा जो अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स है, इसमें हम जो अपवर्ड रिएक्शन जनरेट हो रहा है ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको हम माइनस कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ प्रेशर है, उसमें टाइप ऑफ बैकफिल हम क्या यूज कर रहे हैं, किसको हम रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारी हाइट क्या है वॉल की, हमारी सॉइल की कंडीशंस क्या हैं, डिफरेंट सॉइल कंडीशंस आर देयर, जिसमें हमारी ड्राई हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है, सबमर्ज्ड हो सकती है, यूनिफॉर्म सरचार्ज एक्ट कर सकता है, बैकफिल हमारा स्लोपिंग सरफेस हो सकता है, जहां पर हमारा एक पर्टिकुलर स्लोप पे हमारा जो बैकफिल है वो इंक्लाइंड होगा। ये कंडीशंस हमारी डिटरमाइन करती हैं कि हमारा जो लेटरल अर्थ प्रेशर एक्सिस एक्चुअल में वॉल पर आएगा वो कितना होगा, इसलिए इन कंडीशंस को साइट पर इवेलुएट करना जरूरी होता है। तो दिस इज द लेटरल अर्थ प्रेशर कैलकुलेशंस। सो जो अगर आप ब्रीफ में देखोगे कि जो हमारी कैंटिलीवर स्लैब है, कैंटिलीवर हमारा रिटेनिंग वॉल है, ये हमारी जो स्टेबिलिटी है इसकी, इट्स ड्राइव इट स्टेबिलिटी अंडर द वेट, जो हमारा रिटेन्ड अर्थ है, जो हमारा बैकफिल मटेरियल है उसका वेट कितना है, प्लस जो स्ट्रक्चर यानी कैंटिलीवर वॉल का जो सेल्फ वेट है, उससे ये अपनी स्टेबिलिटी ड्रॉ करती है। इसलिए हमारा जो रिटेन्ड अर्थ है, दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिजाइन कैलकुलेशंस। यहां पर मैंने ड्राई बैकफिल के लिए एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाला हुआ है कि दिस इज द वर्टिकल स्लैब, वर्टिकल कैंटिलीवर स्लैब फिक्स्ड एट द बेस, और उस पर हमारा कितना मोमेंट आ रहा है, एंड यहां पर हमने जो सरचार्ज नहीं लिया है और हमारा बैकफिल जो है वो हॉरिजेंटल स्लोप पे, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको बताया आएगा के ए कामा एच क्यू बाई सिक्स, वेयर के इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर, एच इज द टोटल हाइट ऑफ द वॉल जिधर हमारी रिटेन्ड अर्थ है। और ये हमें ध्यान रखना है कि एच की वैल्यू जो ली गई है, दैट इज फ्रॉम द लोकेशन जहां पर हमारा ये स्लैब फिक्स माना गया है इसकी डिजाइनिंग के लिए। तो यहां पर जब मोमेंट आप निकालोगे तो आपको ये हाइट लेनी है, एंड दिस इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर डेवलप्ड हियर, इधर जो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर आ रहा है दैट हैज बीन नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ लो हाइट एंड लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन द डिजाइन कैलकुलेशंस। उसके बाद हमारा यहां पे वेरियस कोफिशियंट्स कैसे आप निकालते हो, ये भी आपको सारा कुछ पता है, बिकॉज दिस लेटरल अर्थ प्रेशर, इस लेटरल अर्थ प्रेशर की टेंडेंसी जो होती है, इट टेंड्स टू बेंड द स्लैब। इसकी वजह से हमारा जो स्लैब होगा, जो वर्टिकल स्टेम स्लैब है, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू बेंड, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू ओवरटर्न, एंड इट विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड। ठीक है, अभी ये फैक्टर्स कैसे प्ले करते हैं रोल, डिजाइन कंसिडरेशंस में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर हमारा जो स्लोपिंग फील है, ये थीटा डिग्री पे हमारा इंक्लाइंड है, तो हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा लेटरल अर्थ प्रेशर का, वो इस तरह कुछ होगा, विच विल बी इंक्लाइंड एट थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशियंट ये निकालने का फॉर्मूला है, एंगल ऑफ सरचार्ज इज देयर विच इज गिवन एज थीटा, तो टोटल प्रेशर एट द बेस हाफ गे के गामा एच स्क्वायर ही रहेगा। तो दीज आर वेरियस कंडीशंस। तो हमारा जो स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे,
कि सिंस जो भी हमारी लेटरल अर्थ फोर्स एक्ट कर रही है स्ट्रक्चर पे, हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल पर, वो हमारे थ्री बिहेवियर्स इंड्यूस कर रही है जिसे हमें डिज़ाइन में कंसीडर करना है। तो हमारा जो कोड कहता है कि जो हमारी रिटेनिंग वॉल है वो ओवर टर्न नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ओवर टर्निंग क्रिटेरिया। ठीक है, उसके बाद इट शुड नॉट स्लाइड, कि हमारी जो लेटरल अर्थ प्रेशर डेवलप हो रही है उसकी वजह से हमारी जो कैंटिलीवर वॉल है वो स्लाइड नहीं करनी चाहिए, दिस इज नोन एज स्लाइडिंग क्रिटेरिया। एंड थर्ड वन इज जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो रहा है टो पर हमारा, वो हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल जिस पर हमारा रिटेनिंग वॉल रखा जा रहा है उसकी बियरिंग कैपेसिटी होगी उस सॉइल की कुछ अंडर वर्किंग कंडीशन। तो जो भी हमारा बॉटम पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है वो हमारा बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वेरियस कंपोनेंट्स फोर्सेस दिखाई हुई हैं कि एक रिटेनिंग वॉल है, दिस इज अ टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल जिस पे हमारी जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी दिखाई हुई हैं। दिस इज द स्लोपिंग बैकफिल जो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, दिस इज द हील, दिस इज द टो एंड दिस इज द पैसिव अर्थ प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे वॉल हमारी टेंडेंसी इसकी इस आगे मूव करने की है। तो यहाँ पर हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप करेगा जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा टो है, ये हमारा हील है एंड दिस इज द लेटरल अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, जो कि हमारा बैकफिल की वजह से वॉल पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसको हमने पी ए कॉस थीटा और पी ए साइन थीटा दो कंपोनेंट्स, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है एक हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, विच विल प्रोड्यूस ओवर टर्निंग एज वेल स्टेबिलिटी इफेक्ट्स। और हमारा डब्ल्यू जो वेट है, दिस इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स डब्ल्यू फ्रॉम द हील ऑफ द स्विच, हील ऑफ द रिटेनिंग वॉल। तो ये W जो है हमारा, दिस इज द स्टेबलाइजिंग फोर्स, बिकॉज ये हमें हमारा जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को वह स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इट इज जनरेटिंग अ स्टेबलिंग मोमेंट, स्टेबलाइजिंग मोमेंट। तो इस स्टेबलाइजिंग फोर्स जो हमारी होगी W, इसको हम सिग्मा W भी लिख सकते हैं, जिसमें हमारा सॉयल का वेट, जो भी इसमें हमारी सॉयल है इसका जो वेट है, जो कि हमारा इस पोर्शन के ऊपर है, जो कि हमारी मिट्टी इसके ऊपर जिससे ये कवर्ड होगा ये पोर्शन, तो इसके अंदर जो मिट्टी हमारी भरी हुई है, तो दिस विल एक्ट एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। और जो स्ट्रक्चर का खुद का हमारा कैंटिलीवर प्लस जो भी पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर का वेट है उसमें ये स्टेबलाइजिंग फोर्स इंक्लूडेड है। तो जो इसका रिजल्टेंट है दैट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस एक्स डब्ल्यू फ्रॉम द वॉल, और टोटल हमारी बेस विड्थ जो है मान लेते हैं कैपिटल एल है। तो जब हम ओवर टर्निंग की बात करते हैं, ओवर टर्निंग का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ रोटेशन जो है हमारा, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ द ओवर टर्निंग मोमेंट, मतलब जो लिटल अर्थ फोर्सर की वजह से जो ओवर टर्निंग मोमेंट हमारा डेवलप हो रहा है उसकी वजह से हमारा टो के अबाउट रोटेशन होगा। तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना, स्टेम के या किसी और जगह से हमारा रोटेशन होने की टेंडेंसी नहीं होगी। जो हमारा मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां से ओवर टर्न करने की कोशिश करेगा वो हमारा टो ऑफ द कैंटिलीवर वॉल होगा। तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन मानते हुए हमें सारे मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट कंसीडर करने के लिए ये जो W था इस पर जो हमारी, अगर हम लिख लेते हैं यहां पर कि जो हमारा ओवर टर्निंग मोमेंट होगा विच इज गिवन एज MOA, हम इसको ये मान लेते हैं कि इट इज हैविंग अ स्लोप थीटा, इट इज आल्सो हैविंग अ स्लोप थीटा, जैसा कि ऊपर मैंने दिखाया। तो जो ओवर टर्निंग मोमेंट होगा दैट विल बी पी ए कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनटू जो इस वॉल की हाइट थी एच डैश यहां पे दिखाई हुई है ऊपर बाय 3। तो हमारा जो टोटल फोर्स हो जाएगा ओवर टर्निंग मोमेंट की वजह से, ओवर टर्निंग मोमेंट जो होगा डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट जिसे कहेंगे, के ए गामा एच डैश क्यूब बाय 6 कॉस थीटा। तो दिस ओवर टर्निंग या डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट हमारा इस बीम, इस कैंटिलीवर स्ट्रक्चर को ओवर टर्न करने की कोशिश कर रहा है, और जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस होंगी जो इसको वापस इसी पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगी वो हमारी होंगी स्टेबलाइजिंग मोमेंट आर रिस्टोरिंग मोमेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू W इंटू ये हमने L माना था एंड दे आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ XW।
तो एल माइनस एक्स डब्ल्यू जो टोटल वेट है इनमें इंक्लूडेड है, प्लस जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे रिएक्शन का, ये हमारी पी ए थी, दिस इज पी ए कॉस थीटा एंड दिस इज पी ए साइन थीटा विच इज एक्टिंग एट द हील ऑफ द स्लैब. तो पी ए साइन थीटा इंटू एल हमारा ये रेस्टोरिंग मोमेंट हो जाएगा. तो जो हमारा आईएस 456 है वो ये रिकमेंड करता है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा नो वर्टिकल रिएक्शन इज डेवलप, बिकॉज यहां पर जो हमारा बेस है इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है. तो देयर विल बी नो वर्टिकल रिएक्शन टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ ओवर टर्निंग क्राइटेरिया. तो जो हमारा रेशियो होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा फॉर ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग दोनों के केस में, हमारा कोड कहता है इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.4. बट कोड एक बात और कहता है कि सिंस यहां पर जो हमारा स्टेबलाइजिंग मोमेंट है या स्टेबलाइजिंग फोर्स है दैट इज ड्यू टू डेड लोड ओनली, डेड वेट्स, इस वजह से जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं उसमें आपको 0.9 फैक्टर लेना है. दे हैव टू बी रिड्यूस्ड फॉर कंजर्वेटिव डिजाइन. तो हमारा 0.9 से आप मल्टीप्लाई करोगे रिस्ट्रेंड जो हमारी स्टेबलाइजिंग फोर्स है डिवाइडेड बाई एम नॉट, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा एज पर आई एस 456 इन केस ऑफ ओवर टर्निंग एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.4. तो हमारा जो रेशियो होगा रिस्ट्रेनिंग स्टेबलाइजिंग फोर्स, स्टेबलाइजिंग मोमेंट और ओवर टर्निंग मोमेंट का, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.55. यही चीज यहां पर एक्सप्लेन की हुई है. तो अगर आप स्लाइडिंग पर आते हो तो उस केस में हम हमारे जो मोमेंट्स हैं उनको आप इग्नोर कर दोगे. जो हमारी लेटरल अर्थ प्रेशर आ रहा है इट विल कॉज द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू स्लाइड. तो जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा हमारा जिस पर हमारा सॉयल, जिस सॉयल पर हमारी कंक्रीट की वॉल रेस्ट करी हुई है, तो दैट रेजिस्टेंस विल बी डेवलप बिटवीन दी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द स्लैब एंड सपोर्टिंग सॉयल. ठीक है, तो यहां पर ये हमारी सॉयल है जिस पर हमारा ये कंक्रीट का जो वॉल है वो रखा हुआ है. तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर है. तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे बोलेंगे, जो कि इसको अपनी पोजीशन पे रखने की कोशिश करेगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर. एंड जो वर्टिकल रिएक्शन हमारा होगा आर, दैट इज गिवन एज समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज, जो कि हमारा सिग्मा डब्ल्यू जैसा मैंने बताया, जिसमें स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट और हमारा जो रिटेन्ड अर्थ है उसका वेट है. तो दिस म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा आर. तो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा दैट विल बी गिवन बाय म्यू सिग्मा डब्ल्यू अपॉन जो हमारा स्टेबलाइजिंग जो फोर्स है ये है, और जो हमारी लेटरल अर्थ प्रेशर एग्जिस्ट कर रही है दैट विल बी डिस्टेबलाइजिंग काइंड ऑफ फोर्स पी इन केस ऑफ हॉरिजेंटल बैकफिल एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.4. और यहां पर सिंस ये हमारा डेड वेट की वजह से हो रहा, तो यहां पर भी आपको 0.9 फैक्टर मल्टीप्लाई करना है. तो हमारी जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी. तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पर जब भी कैलकुलेट करना है तो आपको स्टेबलाइजिंग फोर्सेस में 0.9 फैक्टर लेना ही लेना है इन केस ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, बिकॉज जो भी फोर्सेस हमारी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं दे आर डेवलप्ड ड्यू टू डेड लोड्स ओनली. उसके बाद यहां पे शियर की का प्रोविजन दिया, इसके बारे में फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इसे. उसके बाद हमारा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो रहा है टो पर उसे कैसे कंसिडर करना है डिजाइन में. तो ये हमारा दिस इज द स्लोपिंग जो हमारा ये, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैटर, जो हमारा ये फेस है वॉल का अपोजिट ऑफ द फेस विच इज रिटेन्ड, जहाँ पे अर्थ रिटेन्ड है उसका फेस जो है वो दैट इज स्लोपिंग सर्फेस को हम बैटर कहते हैं. तो इस पर जो हमारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेज हैं उसमें उनका सेल्फ वेट सारा W1, W2, W4 जो है हमारा ये अर्थ बैकफिल है एंड W3 इज द वेट ऑफ द जो बेस स्लैब है
तो हमारी जो सिग्मा डब्ल्यू, जो हमारा टोटल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज सिग्मा डब्ल्यू, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हो रहा है ये हमारा लेटरल अर्थ प्रेशर डेवलप हो रहा है. तो रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर जो हमारा होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा जो कि हमारा बॉटम टो पर एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी सिग्मा डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस पी ए का होल स्क्वायर. तो दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन विच इज एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द स्लैब, बेस स्लैब, ठीक है. एंड ये कितनी दूरी पर एक्ट करेगा, ये मान लेते हैं कि ये हमारा दिस इज द सेंटर ऑफ द वर्टिकल स्टेम, ये एक इसेंट्रिसिटी पर एक्ट करेगा. तो दैट इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू बी बाई टू माइनस एक्स, ये इसकी सेंट्रिसिटी वैल्यू होगी, ठीक है. और जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा एम्पेरिकली कैलकुलेट किया गया है, दैट इज मैक्सिमम विल बी एट द टो ऑफ द स्लैब, और जो हमारा मिनिमम बेस प्रेशर डेवलप होगा वो हमारा हील ऑफ द स्लैब पर डेवलप करेगा, हील ऑफ द बेस स्लैब. और ये फोर्सेस कैसे कैलकुलेट की गई हैं, यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि अगर हम इसका बॉटम मान लें, एक यूनिट विड्थ मान लें बेस स्लैब की, दिस इज बी, एंड इसकी ये रिटेनिंग वॉल का जो बॉटम है उसकी विड्थ वन यूनिट मान लें, एंड यहां पर हमारे सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा यहां कहीं एक्ट कर रहा था, इट इज हैविंग इसेंट्रिसिटी एट ई, ठीक है. तो अगर आप मैक्सिमम प्रेशर निकालोगे तो दैट विल बी गिवन बाई, जो टोटल हमारा फोर्स एक्ट कर रहा था सिग्मा डब्ल्यू, दैट विल बी गिवन बाई डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस, यहां पे सिग्मा मैक्स या मिनिमम होगा, जो हमारा मोमेंट आएगा अपॉन जेड. तो एम जो होगा वो सिग्मा डब्ल्यू जो आर के बराबर है, यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन आप देख रहे हो, तो डब्ल्यू ई इंटू इसेंट्रिसिटी, कि किस इसेंट्रिसिटी से वो एक्ट कर रहा है, और जेड जो होगा हमारा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है. तो इसको वापस सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा मैक्स मिनिमम जो शियर फोर्स आए, मिनिमम प्रेशर आएगा हील पे, दैट विल बी सिग्मा डब्ल्यू बाई बी वन माइनस सिक्स ई बाई बी, एंड ये हमारा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज जो भी कंक्रीट है उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने नहीं देंगे, बेस स्लैब पे कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस हमारी नहीं आनी चाहिए. तो जो भी मिनिमम प्रेशर है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से कम होगा तो हमारा जो नेचर होगा चेंज हो जाएगा स्ट्रेस का. तो इस केस के लिए जो हमारा इसेंट्रिसिटी है रिजल्टेंट फोर्स का, दैट शुड बी ग्रेटर देन बी बाई सिक्स. इसी तरह हमारा जीरो प्रेशर के लिए जो रिजल्टेंट शुड कट द बेस विद इन मिडिल थर्ड पोर्शन ऑफ द, मतलब ये जो मिडिल थर्ड पोर्शन होगा हमारा वेयर इसेंट्रिसिटी इज बी बाई सिक्स, मीन्स बी बाई सिक्स इधर और बी बाई सिक्स इधर, इस रीजन में ही हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा जो प्रेशर होगा वो हमारा टेंसाइल नहीं डेवलप होगा. और जो भी हमारा मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो रहा है विच इज पी सिग्मा मैक्स, दैट शुड बी लेस देन, जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की उससे कम होना चाहिए. तो दीज आर सर्टन डिजाइन कंसिडरेशन स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स विच हैव टू बी कंसिडर्ड इन द डिजाइन. नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा जो हमारी प्रोपोर्शनिंग होती है, हम अपनी रिटेनिंग वॉल्स की कैसे करते हैं, हमारी रिन्फोर्समेंट डिटेलिंग कैसे करते हैं, और हमारा जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है कैंटिलीवर वॉल का वो कैसे रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए डिसाइड किया जाता है. आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.